नींद पूरी करके जाना, वरना भाई साहब वहाँ जाते ही नींद आएगी। केमिस्ट्री, आइसोटोप्स, चेन रिएक्शन, हाइड्रोजन एटम बम में डिफरेंस, सब पढ़ के जाना। फिजिक्स में 11वीं 12वीं वाली से काम नहीं चलने वाला। क्वांटम मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग वाली, ये पढ़ के जानी है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, फासिज्म, ये सब पता होना चाहिए। कुछ जरूरी लोगों के बारे में पता होना चाहिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एडोल्फ हिटलर, हिजनबर्ग और वो जॉन एफ केनेडी। अगर ये सब नहीं पता ना, ट्रेलर के बाद जो समझ में आया था और जो मूवी के बाद आएगा, कोई खास डिफरेंस है नहीं अगर ये नहीं पता। तो ये सब कुछ पढ़ के जाना तभी होगा। मैं तो बोल रहा हूँ इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये मूवी दिखाने जरूर लेके जाना चाहिए। समझ में आएगी नहीं, वो आके बोल सकते हैं बेटा यूपीएससी की तैयारी करी होती ना तो आज ये समझ में आ जाती। और ये आजकल भाई, ये मैं तो जेब में भर लाया अपने, ये एक बार लो, बार बार रिफिल कराते रहो। पूरा मूवी थिएटर बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा है, डायलॉग से ज्यादा आवाज तो पॉपकॉर्न खाने की आ रही है। तो नीचे सबटाइटल जब तक ना हो तब तक मूवी देखने मत जाना, और सबटाइटल जल्दी जल्दी पढ़ने हैं क्योंकि जल्दी जल्दी बोलते हैं वो लोग। तो ये यूपीएससी और कैट का क्रैश कोर्स है और कुछ नहीं है, मूवी नहीं है ये।